हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का टिक्की। आलू का टिक्की तो आप कई बार खाए होंगे, लेकिन बाजार जैसा अक्सर लोगों का घर में नहीं बनता है। तो आज हम बिल्कुल बाजार जैसा बनाएंगे आलू का टिक्की। वो इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आलू टिक्की कैसे बनेगा बाजार जैसा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। बाजार जैसे आलू टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। देखिए, आलू को लेके आप उबाल लीजिए। बड़े साइज का आलू है तो उसमें 3 से 4 बीसल लगाइए, छोटे साइज का है तो 2 बीसल में भी उबल जाता है। तो देखिए, हम आलू उबाल के ले लिए हैं, ऐसे मैश कर लिए हैं। यहीं पे हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं धनिया पत्ता कटा हुआ, थोड़ा सा हरा मिर्च कटा हुआ, और ये 2-3 लहसुन का कलियां हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, और थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा। नमक हम 2 तरह के लिए हैं, काला नमक और एक रेगुलर नमक। और यहीं पे हम 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छा से इसे हाथों से मसल मसल के मैश कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मैश कर लेना है। इसमें थोड़ा गुठली ना रहे आलू का, जो भी गुठली हो खत्म हो जाना चाहिए। हाथों में देखिए थोड़ा सा कोई सा भी तेल लगा लेंगे, और अब हम टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। टिक्की का साइज अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम टिक्की को इस तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल छोटे साइज का ही बना रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। और इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर को भी चिकना कर ले रहे हैं, और एक प्लेट में रखते जा रहे हैं। सेम तरह से हमें सभी टिक्कियों को बना के रेडी करना है। तो टिक्की बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सारा का सारा टिक्की बन के रेडी हो गया है। तो इसे करारा तलना है हमें। तो देखिए, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे सारा टिक्कियों को, और उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे एक तरफ से हम 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट का भी समय लग सकता है। टिक्कियों को हमें लो फ्लेम पे ही बढ़िया से इसे क्रिस्पी होने देना है। आप देखिए, होंगे बाजार में जब आप खाने जाते हैं, जो टिक्की वाला भैया रेडी में बेचते हैं, तो उनके तवा जो होता है बड़े साइज का होता है, उस पर किनारे किनारे टिक्कियों का ढेरी लगा रहता है, और वो बहुत देर तक सेकते हैं टिक्कियों को। तो सेम तरीका से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास भी तवा है तो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर सेक सकते हैं, या आप नॉर्मल घर का पेन में भी इस तरीके से टिक्कियों को सेक सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, तो हम इसे पलट दिए हैं, और इसी तरीके से हम सभी टिक्कियों को तल तल के निकालते जाएंगे प्लेट में। तो सभी टिक्कियों को हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा जो टिक्की है लग रहा देखने में। तो आप अगर थोड़ा सा कम सेकना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम सेकें, या थोड़ा ज़्यादा सेकना चाहते हैं तो ज़्यादा सेकें, अपने चॉइस के ऊपर है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी टिक्की की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।